वेलकम बैक, माय नेम इज पुष्पेन। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं राइट टू रिकॉल बिल के साथ। क्या है इस बिल में, क्या क्या चीज़ें हैं, आइए हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले, हाल ही में हरियाणा सरकार ने विधानसभा में राइट टू रिकॉल बिल पेश किया जो कि पारित भी हो गया है। ये नाम आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि राइट टू रिकॉल बिल ये किसने पास किया, किस सरकार ने पास किया, किस विधानसभा ने पास किया, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये किसने किया है, ये हरियाणा सरकार ने किया है या हरियाणा विधानसभा ने किया है। ठीक है दोस्तों, इस बिल में क्या प्रावधान है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यदि सरपंच या प्रधान सही से कार्य नहीं कर रहे हैं या वो अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं है तो उनको उससे हटाया भी जा सकता है। उसका हटाने का क्या प्रावधान है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। पंचायत के कम से कम 33% वोटर, कितने 33% वोटर जो है वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को एक प्रस्ताव भेजेंगे। उसके बाद वीडियो क्या करेगा, उसको आगे लेके जाएगा। इसके बाद पंचायत की एक सीक्रेट बैठक होगी, एक मीटिंग होगी जिसमें सीक्रेट वोटिंग होगी। पंचायत एक बैठक करेगी जिसमें सीक्रेट वोटिंग होगी, उस वोटिंग में 67% कितने परसेंट 67% यदि मत प्रधान के खिलाफ पड़ेंगे तो प्रधान को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं दोस्तों वो आज की नहीं हैं, वो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देवीलाल जी हैं उनकी बातें हैं जो कि इस बार हरियाणा सरकार ने पूरा किया है। जहां पे बात हरियाणा की हो रही है तो आइए इसके बारे में दो चार बातें जान लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, हरियाणा का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। इसकी कैपिटल चंडीगढ़ आप सभी को पता है। सबसे बड़ा शहर, इससे भी एक क्वेश्चन बना है, कौन सा है, फरीदाबाद है। यहाँ के जो सीएम है वो मनोहर लाल खट्टर है, जो डिप्टी सीएम है वो दुष्यंत चौटाला है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यहाँ के गवर्नर कौन है वो सत्यदेव नारायण आ रहे हैं। आज की क्लास में इतना ही, मैं कोशिश करूँगा आगे इससे भी अच्छा करूँ। आप अपना सपोर्ट बनाए रहिए, वीडियो आए तो उसको लाइक कीजिए,